जो सरकार का काम था लोगों को रोजगार देने का, अब रोजगार देने के बदले जिन लोगों ने रोजगार के लिए सभी प्रकार की पात्रता अर्जित किया, अब उन लोगों के भी रोजगार को सरकार ने छीन लिया। पिछले दिनों आप सब ने जानते हैं कि पंचायत सेवक का सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। बेचारा इतना मेहनत करके उन लोगों ने पूरी प्रक्रिया को पूरी की, यानी जितना भी लिखित में होता है, टंकक होता है, जो चीज़ भी उनसे इंटरव्यू लिया गया, सब कुछ लोगों ने पूरा किया। अब उसको भी रद्द कर दिया। वैसे हाई स्कूल के शिक्षकों का भी आप देखिए कि उन लोगों ने भी पूरा किया था सब कुछ, लिस्ट बनते बनते बन भी गया था संभवतया। यहाँ तक कि विभाग ने भी पहले कहा कि आपका सब लिस्ट बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, और फिर अचानक राज्य सरकार ने उस पूरी की पूरी वैकेंसी को ही रद्द कर दिया। अब ये बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि पिछले रघुवर दास जी की सरकार ने नियोजन नीति में क्या बनाई थी, इतना ही तो बनाया था कि जो झारखंड के लोग हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, उनको थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी में, यानी रिक्तियों में भरने के लिए अगले 10 वर्षों के लिए यहीं के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। और ये तो यहाँ के नौजवानों के हित में था, और इस सरकार ने उसी निर्णय को रद्द कर दिया। सरकार तो कह रही है बाबूलाल जी कि इसी बजट सत्र में वो नियोजन नीति लेकर आएगी। हमने कहा कि जब पहले सरकार को और जिन लोगों ने जो कंप्लीट किया था, अब उनके साथ तो आप क्या कर रहे हैं, फांसी पर आप उनको तो चढ़ा दिए। एक तो उन लोगों ने बेचारा अथक मेहनत करके, परिश्रम करके, दिन रात मेहनत करके लोगों ने पढ़ाई किया था, तब वो लोगों ने पास कर पाए थे, क्वालिफाई किए थे, और अब तो 4-5 साल तो ऐसे ही उन लोगों का लेट हो गया था। अब उनका तो एज भी ओवर हो चुका। उन लोगों की कौन सी गुनाह थी कि आपने उन लोगों का पूरी की पूरी वैकेंसी को रद्द कर दिया? भैया समझ सकते हैं, जिन लोगों ने एग्जाम नहीं लिखा होगा, जिन लोगों ने कोई नहीं पूरा किया होगा, उसको रद्द करते तक तो हम लोग समझ सकते थे, लेकिन जिन लोगों ने सब कुछ पूरे कर लिया, सिर्फ उनको नियुक्ति पत्र देना ही बचा हुआ था, और उस समय सरकार ने बिना वजह के उसको रद्द किया है। हम लोग तो इतना ही मांग करते हैं कि आपने जो रद्द किया है उसको आप पुनः बहाल करिए, और उन नौजवानों को जिन लोगों ने इतना मेहनत किया उनको नियुक्ति पत्र दीजिए, इतना ही तो मांग है। आज कार्यसूची आप देख लीजिए, सोमवार दिन है, सोमवार के दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को गौण कर दिया गया है। यह सरकार जनता के सवालों से भागने वाली सरकार है, यह सरकार राज्य के नौजवानों का हक मारी करने वाली सरकार है। 5 लाख नौकरी का वादा करके आप सत्ता में आए थे, आज नौजवानों का जब रोजगार देने की बात आ रही है, आप नियोजन नीति के नाम पर रद्द करेंगे, प्रायोजित रखेंगे। आज ही उत्तर आया, मेरा ही प्रश्न था, आज ही विधानसभा के अंदर हमने प्रश्न उठाया था कि ऐसे जो चाहे वो पंचायत सचिवों का मामला हो, सहायक पुलिसकर्मियों का मामला हो, चाहे जेपीएससी के अंदर नियुक्ति का मामला हो, आप ये जानबूझ करके ये सरकार उलझा करके रखना चाहती है ताकि राज्य के नौजवानों को रोजगार न मिल सके। और इसी नौजवानों के रोजगार के विषय को लेकर के हम लोग सदन में आज आवाज़ उठाए थे कि भैया रोजगार दो आप। अब एक साल बीत गया आपका, विकास कार्य प्रदेश में ठप ही हैं, कम से कम नौजवानों से जो वादा करके आप आए थे उन नौजवानों के वादों को पूरा करवा। मेरा ही सवाल था कार्मिक विभाग से, और मेरा ही सवाल था यह जो नियोजन के आधार पर जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी राज्य में, सरकारें आती है जाती रहती है, लेकिन जो राज्य हमारा है और राज्य स्थिर रहता है, यहाँ के नौजवानों का जिनका नियुक्ति हो गया है, आज वो नौजवान जा कर के देखिए रांची के सड़कों पर खड़ा होकर के और वो अपने नियुक्ति का मांग कर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे पुलिस का। आप तो घड़ियाली आंसू बहा करके सत्ता में आ गए, लेकिन जब जनता के नौजवानों को रोजगार देने की बात आती है तो आप उन्हें लाठियाँ बरसा रहे हैं। उसी सवाल को तो हम लोगों ने सदन में किया था, सदन में उत्तर कैसा आ रहा सरकार का? सरकार मुख्यमंत्री सदन के नेता बैठे हुए सदन में,
और वो उत्तर देने के तैयार नहीं है नियोजन के बारे में नौजवानों का। क्या आपको नहीं लगता कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला? दूसरा सवाल अनुपूरक बजट से जुड़ा हुआ है, क्या आपको जरूरी नहीं लगता कि अधिकांश विभाग है जहां पर 50 फीसदी से भी ज्यादा राशि खर्च हुई है, ऐसे में भले ही 3 अनुपूरक बजट पेश करने का अधिकार है? ये तो पूरे वर्ष भर में ये बजट की राशि तो खर्च नहीं कर पाए और फिर अनुपूरक लेकर के आए हैं। सदन में कल जब चर्चा होगी तो उस चर्चा में हम लोग उसका माकूल उत्तर देंगे। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था नियोजन नीति वालों से? नहीं, कोई फैसला ही नहीं है। इन्हें रोजगार नहीं देना है, नौजवानों से आंख चुराना है, नौजवानों से भागना है, और नौजवानों से जो वादा करके आए थे वह वादा से यह सरकार मुकर रही है। वह नौजवान आज सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर के, रोजगार की मांग को लेकर के लाठियां खा रहे हैं। ये लाठी गोली बरसाने वाली सरकार है।